नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फॉरमेंस चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम TVS XL सुपर हैवी ड्यूटी के इंजन को असेंबल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, असेंबल करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका जो ये स्प्रिंग लॉक है, यहाँ पे अंदर फंसा लेना है। तो चलिए इसको लगाते हैं। ये थोड़ा हार्ड होगा मगर लग तो जाएगा ही। तो ये लग चुका है, इस प्रकार से इसको लगा लेना है। और इसके बाद यहाँ पे हम इसका ऑयल सील इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों, ऑयल सील हम इसमें TVS का जेन्युइन इस्तेमाल करेंगे। और इसके धार में यहाँ पे रिसी बोन्ड का उपयोग करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा धार में लगा लेते हैं। इसके बाद ऑयल सील को रखना है, थोड़ा सा इसमें लकड़े का प्रेशर देके बिठा लेंगे। वैसे तो ये कंप्लीट ही है मगर फिर भी थोड़ा सा प्रेशर देंगे। तो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा रिसी बॉन्ड लगा देंगे। तो यहाँ पर कभी भी इसका कंप्रेशन लीक होने का खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रू स्ट्रोक में कंप्रेशन इसके क्रैक चैम्बर में बनता है, वो आप खास ख्याल रखें। और इसके बाद दोस्तों आता है इसका प्रेशर प्लेट। तो प्रेशर प्लेट लगाने से पहले हम थर्ड लॉकर का उपयोग करेंगे, ताकि कभी भी यहाँ से प्रेशर प्लेट बाहर ना आए। और प्रेशर प्लेट को रख लेंगे। और इसको अच्छी तरीके से कस ले, इतना भी ना कसे कि इसके थर्ड डैमेज हो जाए। इसके बाद दोस्तों, इसका जो बेयरिंग है इसको भी हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों, बेयरिंग लगाने से पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, ताकि जो बेयरिंग है वो बिल्कुल स्मूथली इसमें चली जाए। और दोस्तों, जो बेयरिंग है हम एस्केप का यूज करेंगे, आप देख सकते हैं, टाटा या एस्केप डालेंगे तो इसमें बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। इसमें भी थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे, ताकि ये आसानी से बैठ जाए। तो बेयरिंग को बेयरिंग हमारा बैठ चुका है। हमेशा आप कोई छोटे मोटे लकड़े का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये अच्छा रहता है, इसमें कोई बेयरिंग को नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके बाद इस बेयरिंग में इंजन ऑयल का इस्तेमाल कर लेना है, अच्छी तरीके से इसमें डाल देंगे तो एकदम फ्री हो जाएगा। और हो सके थोड़ा बहुत घुमा भी इसे ले। अब हम इसमें बेयरिंग लगा लेते हैं, और बेयरिंग के बाद इसका ऑयल सील लगेगा। तो चलिए, इसमें पहले हम ऑयल लगा लेते हैं। और साथ ही दोस्तों, इसका जो यहाँ पे छोटा छेद है, इनको हमें क्लीन कर लेना रहता है, क्योंकि इसी के जरिए बेयरिंग को ऑयल मिलता है। जो हम पेट्रोल में टूटी ऑयल मिलाते हैं, वही ऑयल इसको मिलता है। बेयरिंग पर भी ऑयल अप्लाई कर लेना है। और धीरे से इसमें इसको रख लेना है।
तो दोस्तों इस ऑयल सील में भी हम वही ऋषि बॉन्ड का उपयोग करेंगे और इसमें भी हम इसी का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों ऑयल सील जो है वो बैठ गया है और इसके बाद इसका जो लॉक है वो लगा लेना है। तो लॉक लोगों में हम थर्ड लॉकर यूज करेंगे ताकि ये जो बोल्ट है अपनी जगह से बाहर ना आए। इस लॉक को लगाना कभी भी मत भूलना क्योंकि ये यहाँ से ऑयल सील को बाहर नहीं आने देता है, रोक के रखता है। इसके बाद दोस्तों इस बेरिंग में भी ऑयल कर लेना है क्योंकि इस बेरिंग में ऑयल आता नहीं है। इसके बाद क्रैंक के कनेक्टिंग रॉड में अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लेना है। और इसको एक बार इस प्रकार से थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे तो इसमें जो ऑयल है वो फैल जाएगा और ये फ्लैट वाला हिस्सा है वो क्लच कवर में जाएगा और ये जो क्रॉस वाला हिस्सा है वो हमारे मैग्नेट के कवर में जाएगा इस प्रकार से। तो चलिए इसको क्लच कवर में बिठा देते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे तो ये बेरिंग में आसानी से बैठ जाएगा और ऑयल सील को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये बैठ चुका है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और इसके बाद दोस्तों ये वाला जो पैकिंग है इसके ऊपर दोनों साइड में हम ऋषि बॉन्ड लगा देंगे। इस प्रकार से लगा लेना है और इसके बाद इस प्रकार से पैकिंग को रखना है कि इसकी ये जो डॉल है दोनों तरफ की, एक यहाँ पे है और एक पीछे की साइड में, यहाँ पे दिख रही होगी, पीछे की आपको नहीं दिख रही होगी। तो पैकिंग को लगाने के बाद एक कैची से ऐसे यहाँ से जहाँ पे हमारा कनेक्टिंग रॉड है वहाँ से काट लेना है और इसके बाद जो हमारा चैम्बर है मैग्नेट का इसको इस प्रकार से रखना है और धीरे से इसको गोल गोल घुमा के डालना है। तो ये बैठ जाएगा और इसके बाद ऐसा कोई लकड़ी का पट्टी हो तो इससे थोड़ा सा टैप कर लेना है। तो ये हमारे दोनों चैम्बर आपस में जुड़ चुके हैं और इसके बाद इसके सारे जो बोल्ट है वो हम लगा लेंगे और कुल मिला के इसमें 6 बोल्ट लगते हैं। 6 के 6 बोल्ट हमें लगा लेने हैं और 6 के 6 बोल्ट में हमें थर्ड लॉकर का इस्तेमाल करना है। तो पहले हम सभी में थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं और इसके बाद सारे बोल्ट हमें अपनी अपनी जगह पे रख लेने हैं और इसके बाद सारे बोल्ट हमें कस लेने हैं। तो इम्पैक्ट ड्राइव से हम इसको कस लेते हैं।
इसको आमने सामने कसना है ताकि इसका चैम्बर सही से अपनी जगह पे कंप्लीट हो जाए। तो ये कंप्लीट हो चुका है। इंपैक्ट ड्राइव इस प्रकार का होता है जो स्क्रू को कसने में और खोलने में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अब इसके पैकिंग को हमें यहाँ से काट लेना है दोनों तरफ से। और इसके बाद यहाँ पे जो रीड वाल होता है इसकी जगह से भी हमें इसको काट लेना है। तो अब इसके क्लच साइड को असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो ये चाबी है वो हमें इसके खांचे में यहाँ पे रख देनी है। और इसके बाद इसका आता है काउंटर गियर शाफ्ट। तो इसमें पहले हमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं दोनों तरफ में, और इसके बाद इसके बेयरिंग में भी थोड़ा सा डाल देते हैं। और ये जो काउंटर शाफ्ट है इसको अंदर लगा लेना है। और इसके बाद दोस्तों एक ऐसा वॉशर होता है वो हमें इस एक्सल में रख लेना है, और इसमें थोड़ा सा हम ऑयल दे देंगे, और इसके अंदर भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, और इसकी टीथ में भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। और इसकी जो टीथ है इसके साथ इसकी टीथ मिला के इसको आहिस्ता से बिठा लेना है। थोड़ा सा आप आगे पीछे करेंगे तो ये बैठ चुका है, आप देख सकते हैं फ्रीली घूम रहा है। और इसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और एक फिर से ऐसा ही वॉशर है जो हमने पहले इसके नीचे लगाया वो यहाँ पे लगा लेना है। और इसके बाद अब इसके अंदर हमारा जो क्लच का सेट है जो नया हमने लाए है वो लगा देते हैं। तो दोस्तों ये TVS का जूनियन क्लच शू पूरा सेट है, तो इसको हम इसमें लगा देते हैं। तो इसका जो यहाँ पे चाबी का खांचा आपको नज़र आ रहा है उसी खांचे में हमें इसको बिठा देना है। तो चलिए सबसे पहले तो इसको हम यहाँ नज़दीक ले लेते हैं और इसको बिल्कुल देख के उसी खांचे में हमें बिठा लेना है। यहाँ पर एक स्पेशल टीथ वाला वॉशर लगता है, मगर पहले जिस मैकेनिक ने क्लच का काम किया था इसने इस वॉशर को मिस कर दिया है, और काफ़ी तलाश के बाद हमें भी ये वॉशर मार्केट में कहीं नहीं मिल पाया। तो हम वापस वही वॉशर इसमें लगा देते हैं। और इसको कसने के लिए कैची पुलर से इसे कस लेना है। इस प्रकार से रखने के बाद इस प्रकार से थोड़ा टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से इसको, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इस क्लच कवर के बेयरिंग में भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है सभी जगह पर। तो इसके ऊपर हम रिसीव बर्न लगा देते हैं। इसके बाद इस पैकिंग को
रख देना है और इसको एक हाथ से अच्छी से प्रेस कर लेंगे और इसको जाने देते हैं थोड़ा साइड में और इसमें भी हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों इसके बॉन्ड को अंदर से क्लीन कर ले, क्योंकि बाहर से तो आप क्लीन कर पाएंगे मगर अंदर से फिर आप क्लीन इसको नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद इसको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर ले, क्योंकि बाद में अगर आप इसको खोलने जाएंगे तो आपका जो पैकिंग है वो ख़राब हो जाएगा। तो चलिए इसमें कुछ कहीं छूट नहीं रहा है तो अब इसको हम लगा देते हैं। तो दो बड़े बोल्ट यहाँ पे लगेंगे और इसको बाद में कस लेना है। और ये दो सिर वाले बोल्ट जो है जिसको स्टड कहा जाता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लगेंगे, और दो छोटे बोल्ट जो है वो एक यहाँ पे लगने वाले हैं, और एक बोल्ट जो है वो यहाँ पे लगेगा। तो अब इसके चारों स्टड को लगा लेते हैं। तो इसमें जो साफ़ सुथरी चूड़ी दिख रही है वो यहाँ पे लगेगी और जो रस्टिंग वाली है वो बाहर की साइड रहेगी। तो सबसे पहले इसमें थर्ड लॉकर को हम अप्लाई कर लेते हैं। और इसके बाद इसको पहले हाथ से ही लगा लेते हैं। इसके बाद स्टड को कसने के लिए इसके ऊपर एक बोल्ट और इसके ऊपर दूसरा और दोनों को अपोजिट साइड में कस लेना है। और इसके बाद वापस हमें इसको बाहर निकाल लेना है। और इसी प्रकार से चारों चार को कस लेना है। तो अब पिस्टन की रिंग लगा लेते हैं। तो पिस्टन में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर उभरा हुआ सेक्शन है और दूसरा यहाँ पर है। तो जो हमारा रिंग है इनमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है और इस रिंग में भी स्लॉट बना हुआ है। और दोनों को दोनों रिंग जो है वो सेम है, आप कोई भी रिंग ऊपर या नीचे लगा सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों इसका एक ये ऑयल रिंग है वो आपको लगाना भूलना नहीं है, वरना क्या है कि आपकी बाइक में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने के बाद पिस्टन आपका फेल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पिस्टन के ग्रू में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि इसका जो रिंग है वो आसानी से बैठ जाए। और सबसे पहले दोस्तों इसका ऑयल रिंग हमें लगा लेना है इसके दूसरे खांचे में। तो इस प्रकार से इसको लगा लेना है। और इसके बाद इसका जो ये वाला खांचा है ये वाला, इसको ध्यान में रखते हुए ये इस तरफ में है तो हमें इसको इस प्रकार से उल्टा रखना है और धीरे से
दूसरे खांचे में ले आना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रिंग लग चुका है, ये इस प्रकार से यहाँ पे लॉक हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद दूसरा रिंग यहाँ पे होगा उसी प्रकार से, तो इसको भी हमें इस प्रकार से उल्टा पकड़ना है और ऊपर के साइड में यहाँ पर इसको इस प्रकार से आराम से बिठा लेना है। इसके बाद दोस्तों पिस्टन में गजन पिन लॉक को कोई भी एक साइड में आपको लगा लेना है, तो इसके लिए आपके पास नॉच प्लस होना ज़रूरी है। तो इसको पहले हम नॉच प्लस में अच्छे से बिठा लेंगे और इसके बाद इसमें इसको धीरे से रखना है और कोई भी तो ये जो हमारा लॉक है वो इसमें लग चुका है। तो दोस्तों सबके काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग होता है, तो मैं पिस्टन को हमेशा टू स्ट्रोक बाइक में पहले ही लगा देता हूँ और इसके बाद कनेक्टिंग रॉड के साथ जोड़ता हूँ। तो पहले इसमें हम दोस्तों थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारा पिस्टन जो है इसमें आराम से बैठ जाए। और इसके बाद ये जो तीर वाला निशान है यहाँ पर वो एग्जॉस्ट की साइड आएगा, तो धीरे से इसमें रिंग को हमें पुश करना है और पिस्टन को अंदर की साइड धकेलना है। तो ये एक रिंग हमारा बैठ चुका है और दूसरा रिंग जो है इसको भी हम बिठा लेंगे। तो ये पिस्टन हमारा बैठ चुका है। इसके बाद इस किट को हम इंजन के साथ जोड़ लेंगे। इसके बाद इसके पैकिंग को हमें यहाँ लगा लेना है, तो इसके ऊपर भी दोस्तों हमने बॉन्ड अप्लाई कर दिया है। तो चलिए पहले इसको लगा लेते हैं। तो इसको धीरे से अंदर की ओर पुश कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी हम बॉन्ड लगा देंगे। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि ये बैठने में कोई दिक्कत ना करे। कनेक्टिंग रॉड की बेरिंग में थोड़ा सा ऑयल कर लेना है और इसमें इसकी बेरिंग को लगा लेना है। फिर जो ब्लॉक किट है इसका ये वाला सिरा है वो इंजन में नीचे जाएगा, इसका खास ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों इसके कनेक्टिंग रॉड के लेवल को बिल्कुल मैच कर लेना है और इसके बाद इसकी गजन पिन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी लगा लेना है ताकि ये आसानी से अंदर चली जाए। और इसके जो पिस्टन का यहाँ पे सिरा है इसमें भी थोड़ा ऑयल लगा लेना है। तो चलिए अभी इसको इसमें लगा लेते हैं। तो गजन पिन हमारा आप देख सकते हैं वो बिल्कुल बैठ चुका है।
तो चलिए अभी इसका स्प्रिंग लॉक लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं प्लस में मैंने इसको लगा दिया है। तो ये हमारा लॉक हो चुका है और सिलेंडर को धीरे धीरे धकेलना है। इसके बाद इसका हेड गैस किट लगाना है, तो इसके ऊपर भी हम बॉन्ड को अप्लाई कर लेते ताकि कहीं से भी कंप्रेशन लीक ना हो। और इसको ऐसे दबाएंगे तो ये आराम से बैठ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी हम बॉन्ड लगा देते हैं। और इसके बाद हेड को भी हमें लगा लेना है। तो इनमें कोई उल्टा सुल्टा नहीं होता है, फिर भी अगर आप रखना चाहे तो इस TVS के सिंबल को नीचे की साइड रख सकती है ताकि ये सही पोजीशन में आ जाएगा। और इसके बाद इसके सारे बोल्ट को कस लेना है और इसको क्रॉस पैटर्न में कस लेना है ऐसे। MM की गोटी है, इसमें 11 MM का रिंच लगता है। तो दोस्तों अब लगाएंगे इसका कॉइल प्लेट और मैग्नेट। तो इसका जो यहाँ पर स्लॉट है इनमें पहले हम थोड़ा सा बॉन्ड लगा लेते हैं। तो दोस्तों इसमें भी टाइमिंग होता है, वो हमें पहले देखना है, तो चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों एक मार्किंग कॉइल प्लेट में यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर, दोनों मार्किंग को आमने सामने मिला लेना है। और कॉइल प्लेट को यहाँ लगाने के बाद एक स्क्रू ये और एक ये दोनों को कस लेना है। और इसके बाद इसका ये मैग्नेट का चाबी इसके खांचे में लगा लेना है। इसके बाद इसका ये वॉशर और इसके बाद इसका ये स्प्रिंग वॉशर और ये इसका 17 नंबर का नट को लगा लेना है। और इसको कसने के लिए आपके पास कैची पुलर होना चाहिए। तो ये अच्छे से बिल्कुल सही से ये कस लिया है। और इसके बाद इसके रीड वाल्व को लगा देते हैं। तो इसको लगाने के लिए इसमें हम बॉन्ड अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसको बार बार हमें साफ़ करने के लिए निकालना होता है। तो इसमें हम थोड़ा सा ग्रीस का अप्लाई कर लेंगे ताकि अगली बार जब भी इसको को निकालना हो तो आसानी से हम इसको निकाल पाए। और इसको इसमें अच्छे से फंसा लेंगे, प्रकार से इसको लगा लेना है। और इसके बाद इस पैकिंग को भी इसमें ही हमें ऐसे ही लगा लेना है और इसके ऊपर बिल्कुल इस प्रकार से ही लगा लेना है। और इसके बाद दोस्तों इसमें एलंग की बोल्ट होता है जिसमें
चार नंबर का एलंकी लग जाता है, तो अब इसका स्पार्क प्लग लगा लेते हैं, मगर इससे पहले इसका गैप जो है उसको सेट कर लेते हैं। तो गैप सेट करने के लिए दोस्तों सिंपल है, आपके पास कोई भी टूटा फूटा आरी का ब्लेड हो इसको इसके अंदर रखना है और इसके बाद कोई भी टूल से इसके ऊपर टैप करना है, क्योंकि जो हमारा ब्लेड है वो भी 0.7 या 80 होता है और कंपनी अकॉर्डिंग 0.7 से 8 तक ही हमें इसको रखना होता है। तो चलिए इसको अभी लगा देते हैं। तो स्पार्क प्लग फिटिंग हो चुका है, तो अभी इस इंजन को हम मोपेड में चचिस में लगा देते हैं। तो इंजन को चचिस में इंस्टॉल कर लिया है और अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे इसका कार्बोरेटर का क्लीनिंग, तो वो भी आपको बहुत जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, साथ में ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही कोई टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।